बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट और तिल वाली चिक्की, जो हम गुड़ के साथ बनाएंगे और थोड़ा सा देसी घी हम इस्तेमाल करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया। अब सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम देसी घी को डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम मेल्ट होने देंगे। हमने बिल्कुल हल्की आंच में इसको पकाना है। अब घी मेल्ट हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी हम मेल्ट होने देंगे हल्की आंच में, और मुसलसल चम्मच को हिलाते जाएंगे। अब हमारा जो है वो गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है। अभी हम इसको और 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, और चम्मच को हम मुसलसल हिलाते रहेंगे। अब ये देखें, अब हम थोड़ा सा गुड़ जो है वो पानी में डाल के चेक करेंगे कि ये चिपकना शुरू हो गया कि नहीं। ये देखें, ये अभी जुड़ है, लेकिन अभी हम दो से तीन मिनट और हम इसको पकाएंगे। अब 2 से 3 मिनट और हमने गुड़ को पकाया है। अब हम इसको दोबारा से चेक करेंगे पानी में डाल के कि ये चिपकना शुरू हुआ है। अब ये देखें, अब ये अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम आंच को बंद कर देंगे। अब हम आंच को बंद करेंगे और इसमें पीनट और तिल डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने चौकी पे सबसे पहले ऑयल अच्छे से लगा दिया था। अब हम इसमें सारा पीनट का वो मिक्सर जो है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको चम्मच की मदद से सेट करेंगे। अब हमने चम्मच की मदद से इसको सेट कर लिया है। अब हम बेलन पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको बेलेंगे, ताकि एक जैसा मिक्सचर जो है वो सेट हो जाए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इस तरफ से भी इसकी कटिंग करेंगे। इसको हम स्क्वायर्स में काट लेंगे। अब हमने चिक्की को स्क्वायर में काट लिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। तो अब हमारी चिक्की जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़े की चिक्की जो है वो तैयार हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मज़े की गुड़ वाली चिक्की जो है वो तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।